दिवाली पर आप सभी ने खूब मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान चट किए होंगे, लेकिन आपको वो लाजवाब फूड्स एसिडिटी, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी दिक्कतें दे सकते हैं। ऐसे में हम आपके लिए ऐसे 5 उपाय लेकर आए हैं जिनके जरिए आपकी ये समस्या दूर की जा सकती है। पहला है गुलकंद का पानी। दिवाली की रात खूब पकवान चट करने के बाद अगली सुबह जब आप जागेंगे तो आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग या कब्ज की परेशानी हो सकती है। ऐसे में गुलकंद के पानी के साथ दिन की शुरुआत करना बेहतर रहेगा। 1 चम्मच गुलकंद 1 गिलास पानी में मिला दें और पी जाएं। इसमें मौजूद गुलाब की पत्तियों को अच्छी तरीके से चबाएं। आपको थोड़ी ही देर में राहत मिल जाएगी। दूसरा है सुबह की नींद। डॉक्टर्स का कहना है कि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 15 से 20 मिनट की छोटी सी नींद भी आपको इस परेशानी से छुटकारा दिला सकती है। अगर सुबह के वक्त आंतों की अच्छी से सफाई नहीं होती तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आप छोटी सी नींद ले लेते हैं तो ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तीसरा उपाय है लंच के साथ केला खाना। बच्चों में कब्ज की दिक्कत दूर करने के लिए ये शानदार उपाय है। ऐसे ही अगर दिवाली की पार्टी के बाद आप भी कब्ज से परेशान हैं, तो लंच में रोटी, सब्जी, दाल चावल के बाद 1 या 2 केले खा लें। सुप्त बुद्ध कोणासन। न सिर्फ दीपावली के अगले दिन बल्कि आपको कभी भी पेट फूलने या कहें कि ब्लोटिंग की परेशानी हो तो आप 2 से 5 मिनट तक सुप्त बुद्ध कोणासन कर सकते हैं। इसके लिए फर्श पर कमर के बल लेट जाइए और पीठ के लिए 1 गोल तकिया रख लीजिए। घुटनों से पैर को मोड़ते हुए दोनों पंजों को आपस में चिपका लीजिए और जितना हो सके फैलाने की कोशिश कीजिए। पेट फूलने की तकलीफ से जल्द राहत मिलेगी। घी के साथ राइस पेज। वैसे तो हमें फेस्टिवल सीजन में ओवरईटिंग का ख्याल रखना चाहिए और हाई शुगर फूड खाने से बचना चाहिए, लेकिन अगर खा लिया और तकलीफ हो गई तो अगली सुबह आप घी के साथ राइस पेज ट्राई करें, यह आपको राहत देगा। चावल को ढेर सारे पानी में उबालिए ताकि वो सूप की तरह तैयार हो जाए। इसके बाद इसमें घी मिलाकर खाइए, आपको जल्द ही राहत मिलेगी।